अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खेई थी। बुढ़िया बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली, अरे तू तो चप्पू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता, तू पार क्या ले जाएगा। अब क्या है कि बुढ़िया देखते बादशाह बोले कि ठीक है चलो मैं तुमको ये नाव पार करवा ये नदी पार करवा देता हूँ। और वो जैसे वो नाव पे बुढ़िया को लेकर बैठते हैं और चप्पू जिससे कि नाव को खेते हैं, मतलब कि नाव जिसके सहारे चलती है, ठीक है, उसे लेकर के जैसे उसको चप्पू बोलते हैं, लेकर के जैसे राजा ने उसको पकड़ा तो बुढ़िया उसको देख करके ही समझ गई कि इसे नाव खेना मतलब नाव चलाना नहीं आता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो चप्पू भी पकड़ना नहीं आता, तुम मुझे इस पार से उस पार कैसे ले जाओगे, ठीक है। तो राजा बोलते हैं, मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, मरता क्या ना करता। बुढ़िया नाव में बैठ गई। बादशाह जी जान से नाव खेने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी, ऐसे चलकर तू हमें कल रात तक पार पहुंचाएगा, और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में ही डुबो दे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू है कि नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। फिर बुढ़िया क्या करती है, जब बादशाह अब नाव चला रहे हैं, उनको नाव तो चलाना आता नहीं था क्योंकि ये सब काम के लिए उनके पास तो कितने सारे सैनिक वगैरह हुआ करते थे, नाविक वगैरह, तो वो कभी नाव जब चलाए तो कभी नाव इधर हो कभी उस तरफ हो, तो बुढ़िया इस चीज़ को देख करके बहुत गुस्से से भर जाती है और बोलती है कि तुझे तो नाव चलाना भी नहीं आता है और ऐसा लग रहा है कि तू मुझे कल रात तक ही पहुंचा पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पार उतरने से पहले ही तू नाव को डुबा दे, ठीक है, मेरे बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे कह के उनके ऊपर वो गुस्से से बोल पड़ती है। माई सब्र तो कर, बादशाह ने कहा, किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी, असल में तो इन बातों का जवाब दे बादशाह ही होता है, मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो लेगा, उसे असलियत कौन बताएगा कि यहाँ मस्जिद की नहीं एक पुल की ज़रूरत है, इस पुल के बिना पार वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। अरे भाई, पुल ना होने से उस पार कोई वैद्य या हकीम जाने को तैयार नहीं होता। फिर बुढ़िया को राजा बोलता है कि आप शांति से मतलब बैठे रहिए, मैं आपको इस पार से उस पार ले जाऊंगा, आप सब्र रखिए, ठीक है। मगर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, फिर भी वो बोलती चली जाती है कि राजा को कौन समझाएगा, वो तो केवल ये जो मुबारक खान है उसकी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया कि यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए, जबकि यहाँ मस्जिद की नहीं पुल की ज़रूरत है ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पार से दूसरे पार आसानी से आ सकें। फिर बुढ़िया कुछ देर के बाद बोलती है कि यही एक कारण है, पुल ना होने के कारण कोई भी लोग या कोई भी बीमार को देखने वैद्य हकीम इस पार से उस पार आने को तैयार नहीं होता है, तो यहाँ एक मस्जिद की नहीं पुल की ज़रूरत है। बुढ़िया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, सूबेदार मुबारक खान हमारा हाकिम है, लेकिन उसे ये सब देखने की फुर्सत नहीं, उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है, लोग कह रहे हैं यहाँ ऐसी मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। सुना है आज अकबर यहाँ आया है, मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताती कि वो दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। फिर वो बुढ़िया थोड़ी देर चुप हो जाती है, उसके बाद फिर बड़बड़ाना शुरू करती है कि ये जो सूबेदार है उसे कर वसूलने से तो फुर्सत ही नहीं है, वो क्या दुनिया जहान की बातें सुनेगा, ठीक है। फिर वो बोलती है कि काश अगर अकबर, आज सुनी हूँ कि अकबर यहाँ गोमती नदी के किनारे आया था और मस्जिद निर्माण का कार्य देखने के लिए, तो वही बोल रही थी बुढ़िया, बोलती है कि अगर मुझे अकबर बादशाह मिल जाते तो मैं उन्हें ज़रूर कहती कि यहाँ कोई मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक पुल की ज़रूरत है जिससे कि लोग इस पार से उस पार आराम से सुविधा से आ जा सकें और
चाहे अब मरीज़ को इधर यहाँ इस पार से उस पार ले जाए, यहाँ पे कोई भी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऐसे मतलब कि राजा से बात करती है। ठीक, बुढ़िया देर तक इस तरह बड़बड़ाती रही, चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे छिड़कने लगे। अंत में नाव किनारे पर पहुंच गई। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से नाव इस पार से उस पार होते हुए और किनारे के पे पहुंचती है, और अकबर उनको बुढ़िया को संभालते हुए नाव से उतारते हैं बादशाह अकबर, और बोलते हैं कि चलो अब अंधेरा हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, कहीं तुम्हें कोई ठोकर ना लग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें, यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को उसकी गठरी समेत गोद में उठा लिया। बुढ़िया घर पहुँची। उसके घर में कोहराम मचा था, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनका रोना देखकर बुढ़िया को मल्ला पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों पर जोर खरोच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। फिर क्या हुआ कि जो अकबर थे बुढ़िया को गठरी के साथ गोद में उठा करके उसके घर तक छोड़ देते हैं। वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। ठीक है, तो बुढ़िया को बच्चों को रोता देख बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो क्या करती है कि बादशाह के गालों को ज़ोर से खरोच देती है अपनी नाकों से। ठीक है, और बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं और तुमने तो इन्हें भूखा ही मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का अशानमंद होना चाहिए कि इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनाया, मस्जिद बहुत बाद में। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन वो फिर अपने राज्य में चले गए, और जब वो सुंदर से अपने लिबास को पहने और जब उस लिबास के साथ में आईने में जब उन्होंने अपने आप को निहारा तो देखते हैं कि देखने में उनका जो लिबास था वो बहुत ही अच्छा था। उनका आभूषण जो उन्होंने धारण किया था बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, गहने जो उन्होंने पहने थे। तो और साथ ही साथ उनको वो खरोच देख करके वो मुस्कुरा दिए। ठीक है, क्योंकि उनको वो बुढ़िया की बात याद आ गई। फिर उन्होंने फैसला किया कि पहले जौनपुर में वो पुल बनवाएंगे, बाद में बहुत दिन के बाद वहाँ पे फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बादशाह अकबर पहले अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करते थे, बाद में इस तरीके के कार्य को करते थे। तो इस पार्ट से हमने अकबर बादशाह के बारे में जाना कि वो कितना दरिया दिल थे। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है।